That's a story coming from Uttar Pradesh. Two shocking murder cases from the same state. A rape victim was shot dead in Sitapur in Uttar Pradesh only because she fought for justice and put the rapist behind the bars. Even in Mau, a rape victim was killed 2 days before she could record her statement. Two similar incidents in Akhilesh, Uttar Pradesh. We are getting reactions from the kin of the victims in Mau. मामला ये आज 2 साल 3 साल से चल रहा है जी। इसका पुलिस कंप्लेन भी हुआ है, एफआईआर हुआ है, हक पकड़ा गया। मामला क्या था बताइए। मामला था लड़की का, ये ब्लड का जो मरी है, जो मरी इसकी दुरुपयोग में हुआ था। क्या गवाह भी थी किसी मामले में ये? हाँ, गवाह थी। क्या इनके साथ पहले गलत काम भी हुआ था? तो ये गवाह थी, इसीलिए इनकी हत्या करा दी गई। आके सिंह ने कराया है ना, प्रबंधक के विद्यालय के। 2013 में हमारी बहन का रेप हुआ था, इसका मुकदमा चल रहा था और इस समय लगभग होली के बाद में वो छूटा था, शादी में धमकियां दे रहा था। इसकी रिपोर्ट हमने सीतापुर मम्मी ने दिया था और उसी के कान पे दबाव किया था कि अगर ये सुलह नहीं होगा तो हम गोली मार देंगे। प्रदीप ने गोली मारी, सर वो अपने ससुराल जाते हैं।